बहुत पहले की बात है, कचरा नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे देव के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। एक दिन वह अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थी, तभी गांव का एक आदमी कहता है, अरे भाई वो देखो राधा चुड़ैल जा रही है। दूसरा बोलता है, अरे भाई तुम तो कुछ भी बोलते हो। अरे नहीं भाई, वो अपने पति को भी खा गई थी। दूसरा आदमी फिर कहता है, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। मत मान मेरी बात, तू तो दूसरा कहता है, यह भी तो हो सकता है यार, शायद वो अपने बेटे को प्यार बहुत करती है इसलिए ना खाया हो। दूसरे दिन रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और राधा घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। देव के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका ही नहीं मिला मुझे। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन राधा बाजार में सामान लेने जाती है। रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। कैसी हो राधा? राधा कहती है, मैं क्या बताऊं, देव के पापा के बाद शरीर कमजोर सा होता जा रहा है। तुम घर पर आना, शाम को बात करते हैं। सहेली कहती है, अरे शाम को? अरे अरे डरती क्यों हो, मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। अरे राधा नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी कि देव की उम्र हो रही है शादी की, मेरी दूर की बुआ की लड़की है तो सोचा क्यों ना रिश्ते की बात चलाऊं। राधा अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतजाम तो हो गया अब, और वह बिना देव से बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद देव की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब राधा बहू के पास जाती, देव को पास में देखकर उसकी हिम्मत ना होती। अचानक एक रात राधा हाय हाय, बहू पूछती है, क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में मेरा मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों में मालिश कर दूंगी। तुम्हारा भला हो बहू। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन राधा खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना होता है। देव कहता है, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया? बस बेटा आज मन नहीं हो रहा है। अरे आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा कल से तो मैं एकदम शायद ठीक ही हो जाऊँ, तू आ जाना बहू याद से। हाँ ठीक है जी माँ जी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, राधा का भूख से बुरा हाल होता जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेकर कमरे में जाती है। राधा आ गई बेटा? हाँ माँ जी आ गई। आ बेटा छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू राधा के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है क्योंकि राधा के पांव उल्टे होने लगते हैं। बहू मन में सोचने लगती है कि अच्छा तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इसके बारे में, ये है तो चुड़ैल ही। राधा कहती है, क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं एक मिनट में नीचे से और तेल लेकर आती हूँ। ऐसा कहते ही जैसे वह नीचे जाने लगी, राधा ने उसको मना किया, लेकिन वह एकदम से नीचे चली गई और पाँच मिनट बाद फिर से आई। अब फिर से राधा के पैर दबाने लगी। राधा के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार हो गई थी। देखते ही देखते राधा एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। पीछे पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात हो। और इधर राधा के मुंह में पानी भरा जा रहा था, उसके हाथ बहू की गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीजों से अनजान थी और जैसे ही राधा बहू का गला दबाने ही वाली होती है, अचानक एक जोर सी आवाज होती है और देव छत पर आ जाता है और तुरंत राधा अपने असली रूप में आ जाती है।
देव कहता है, अरे वाह माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा है। ये लो खाना, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर बाद खाना ले आना। और हाँ माँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है, लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर देव और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। राधा गुस्से में सोचती है, कब तक बचेगी बहू, जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी है तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही।